सो हेलो एवरीवन एंड माय एसओएससी लर्नर्स, अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। सीबीएसई एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन मैं करवाने वाला हूँ। काफी ज्यादा आसान है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसानी से एक ही वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन मैं फिनिश कर दूंगा, तो और आपको समझ में भी आने वाला है और आप इस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। जैसा कि आपको पता है, दो ही एक्सरसाइज आ रही है, 1 और 2 आ रही है, ठीक है, है ना, 3.1 और 3.2 आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले आप यहां देखेंगे इसमें बेटा क्या दे रखा है कि ये वाली हमारी रॉ होती है और ये कॉलम होती हैं। क्या होती है बेटा, जो हमारी खड़ी खड़ी लाइन है, ये वाली जो है, ये सब क्या है बेटा, कॉलम है, ठीक है। और हमारी रॉ क्या है, जो जितनी भी लेटी हुई लाइन है उनको हम रॉ बोल देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी के बेस पर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मतलब कि जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको आप करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक, और बहुत ही ज्यादा आसान है। आप किस तरीके से बता सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, मतलब कैसे टेबल लैम्प को दिखाओगे। मान लो अगर यहाँ पर आपकी टेबल लैम्प रखी हुई है, यहाँ पर क्या है आपकी, ये टेबल लैम्प रखी हुई है, ठीक है, ये आपकी टेबल लैम्प रखी हुई है। अब कैसे बताओगे इसमें, आप कैसे बताओगे भाई, यहां से अगर स्टार्ट है 1 2 3 4 1 2 3 4, अब ध्यान देना जरा यहां पर है ना, तो आप क्या करोगे, थर्ड कॉलम से थर्ड रो में जाकर के आपको क्या मिलेगी, हमारी टेबल लैंप मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और सेकंड भी कुछ इसी प्रकार से ही है। अब देखो यहां पर आगे की बात कर लेते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है बेटा, एक होता है ग्राफ, क्या होता है बेटा, एक होता है ग्राफ, जरा ध्यान से समझना। मैं यहां पर बना देता हूं इस तरीके से, ये मैंने बनाया, क्या बनाया बेटा, मैंने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये ग्राफ बनाया है इस तरीके से बनता है आपको। और यहां देखो इस वाली को y बोलते हैं, और है ना, यहां ध्यान रखना ये x और y लिखना बहुत जरूरी है, और इस वाली एक्सिस को बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है, जरा ध्यान देना बेटा, x एक्सिस और y एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर y एक्सिस है, y एक्सिस को क्या करेंगे हम, यहां पर इसके नाम में बता देता हूं आपको, ये जो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस है, ये वाली है, मतलब कि जो हमारी ये x वाली है इसको बोलेंगे x एक्सिस, क्या बोलेंगे, x एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, x एक्सिस को इसको हम बोल देंगे बेटा अबसीसा भी, क्या बोल देंगे, अबसीसा, अबसीसा बोल देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ऐसे ही हमारी ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस जो होगी हमारी, y एक्सिस को बोल देंगे हम ऑर्डिनेट, ठीक है भाई, ऑर्डिनेट बोल देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। भुज और कोटि बोलते हैं हिंदी और हिंदी में, ठीक है, भुज और कोटि हिंदी में बोल देंगे इसको, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर लिख देंगे x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और यहां पर जो बीच में जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट, क्या सॉरी ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन, मतलब कि मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु, समझ में आया, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चों के लिए ही है, ठीक है, मूल बिंदु इसको बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान देना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें बेटा एक और चीज है, अब जरा देखोगे आप यहां पर, तो इसमें क्वाड्रेंट होते हैं, क्या होते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये चार क्वाड्रेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब देखो यहीं से ही अब क्या होता है, इसके अंदर ना कुछ नंबरिंग भी होती है, आइए देखो वो किस तरीके से करते हैं, मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। अब मैंने यहां पर ये एक और ग्राफ बनाया है इसी तरीके से, ये मैंने इस तरीके से बना दिया ग्राफ, ठीक है, और ध्यान रखना मेरे बच्चों कि एक्स और वाई लिखना कभी मत भूलना, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो आपको पता है ये जीरो होता है, देखो यहां पर जो आपको पता है नंबर लाइन के राइट साइड में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव संख्याएं होती है सारी, 1 2 3 4 5, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4, ठीक है, कितनी भी संख्या लिख सकते हो आप, मैंने इसीलिए एरो लगा रखे हैं इसमें। और देखो ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, +1 2
थ्री फोर, यहां पर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये इस तरीके से होते हैं, और यहां पर देखो इनके जो हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। अब देखना जरा यहां पर कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से लिखता हूं। आपको पता है कि ये पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो x वाली लाइन पर यहां पर क्या है, x वाली लाइन पर प्लस के है ना कोऑर्डिनेट्स, तो मैं यहां लिख दूंगा प्लस, और यहां y वाली लाइन पर क्या है, इस वाले क्वाड्रेंट में देख रहा हूं ना मैं, क्वाड्रेंट वन में, तो इस वाले पे बेटा क्या दे रखा है, y पे प्लस में दे रखा है, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा प्लस लिखूंगा, ठीक है। अब इस वाले क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं, अब देखो यहां पर, अब मैं एक्स वाई नहीं लिखूंगा, x की जगह पर क्या है, देखो x वाली जो हमारी लाइन है यहां पर माइनस में दे रखे हैं, है ना, और इधर देख नेगेटिव में दे रखे हैं, और देखो y वाली लाइन पर इस वाले क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट सेकंड में प्लस में दे रखे हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस, ठीक है। और इसको देखो यहां पर x वाले में y माइनस सब्ट्रैक्ट का दे रखा है, यहां पर भी माइनस का ही दे रखा है, तो यहां पर नेगेटिव साइन लगाऊंगा मैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और यहां पर क्या होगा हमारा, देखो x यहां पर पहले पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये क्वाड्रेंट मैंने ये पूरा फिल कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो आगे चलते हैं, है ना। अभी इसमें क्या होने वाला है, अब मैं आपको समझाता हूं इसमें सवाल कैसे किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं इसमें सवाल। चलो अभी मैं यहां पर है ना एक इसी तरीके से बना देता हूं ग्राफ, मैंने इस तरीके से यहां पर ग्राफ बनाया, ठीक है। ये आप जो 3.2 एक्सरसाइज है ना बहुत आसानी से कर सकते हो। और एक और चीज मैं बता दूं, ये जो इतना गैप दे रखा है ना इसका, ये इसको हम बोलते हैं वन यूनिट, क्या बोलते हैं, ये इसके वन यूनिट है, ठीक है, ये सारी यूनिट्स होती हैं इसमें, ठीक। और देखो यहां पर इस तरीके से करेंगे जीरो, यहां पर लिख देता हूं वन टू थ्री फोर फाइव, यहां एक्स रहेगा, ये लिखना बिल्कुल मत भूलना, और वाई रहेगा यहां पर, ठीक है, यहां पर रहेगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये सब हमारे पास आ चुका है, अब किस तरीके से करेंगे अभी यहां देखेंगे। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक पॉइंट लगाया यहां पर, ठीक है, नाम देना उसको बी, ठीक है, मैंने यहां पर एक पॉइंट लगाया कुछ इस तरीके से, यहां पर एक बी पॉइंट है मेरा, क्या है, बी पॉइंट, मैंने इसको यहां से इस तरीके से दिया और यहां थ्री से मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है, यहां पर लिखते हैं बी को, ठीक है। अब मैंने पूछा यहां पर, भाई बी के जो पॉइंट्स है ना, बी के जो मतलब कि कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताओ मेरे को। अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहला वाला एक्स होता है, एक्स वाली पे क्या है बेटा तीन, और वाई वाली पे क्या है बेटा चार, ये हो गए बी के कोऑर्डिनेट, आंसर समझ में आया। और आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, चलो भाई ए के मुझे कोऑर्डिनेट बताओ, और सॉरी ए का मुझे यहां पर शो करके दिखाओ, इस ग्राफ पर शो करके दिखाओ ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स माइनस तीन और यहां पर है दो, ठीक है। तो कैसे शो करोगे आप, देखो x की जगह पर माइनस तीन है और y की जगह पर दो है, x की जगह पर क्या है माइनस तीन, यहां पर एक पॉइंट लगाता हूं, ठीक है। और ऐसे ही y की जगह पर मेरे पास क्या है टू, y की जगह पर ये टू है, तो मैं इसकी सीध में लेकर के यहां पर एक पॉइंट लगा दूंगा, मतलब कुछ इस तरीके से, समझ में आया। तब मैं इसको ऐसे करके लूंगा यहां पर, आप ऐसे बना भी सकते हैं, नहीं भी ऐसे टिक लगाने हैं आपको, ये ड्रॉ करनी है लाइन इमेजिनरी तो कर सकते हैं। तो अभी हम यहां क्या लिख देंगे, ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, ए पॉइंट हो गया। इसी तरीके से आप करेंगे इस सवाल को, समझ में आया, इसी तरीके से होगा, बहुत ज्यादा ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही बेटा देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर वन है, अभी जो हमारा एग्जाम्पल नंबर वन है इसको किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पर बोला है सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अभी यहां पर हम फिगर बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, अभी यहां सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन, किस तरीके से होगा एग्जाम्पल नंबर वन, ये हमारी जो फिगर दे रखी है यहां मैंने बना दी है पूरी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर वन सॉल्व करते हैं, देखो पहले क्या बोला है, ध्यान से हमें हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हमें ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। पहले बोला है द अवशिषा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर, मतलब कि यहां पे फिल करना है अवशिषा और ऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं इसके पॉइंट बी के। अब देखो पॉइंट बी कहां पर है हमारा, सबसे पहले हम पॉइंट बी ढूंढेंगे, अवशिषा और ऑर्डिनेट बताने हमें क्या बनाना है, अवशिषा ऑर्डिनेट, अवशिषा एक्स वाला होता है, ऑर्डिनेट होता है वाई वाला, ठीक है। यहां पर देखो अब किस तरीके से बताएंगे, एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, यहां पर चार आ रहा है, ठीक है, अवशिषा क्या आ जाएगा बेटा चार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑर्डिनेट बेटा क्या आने वाला है, ऑर्डिनेट मतलब वाई वाली जो हमारी है वो आ रहा है तीन, ठीक है, क्लियर है, इतना हो गया
है ना, इस तरीके से आप फिलअप कर देंगे इसको, ठीक है। चलो भाई, चार और तीन हो गया इसका। अब आगे चलते हैं बेटा, आप यहाँ बुक में आप देखना सवालों को। अब देखो अगला वाला, सेकंड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला हमारा हो गया है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या पूछे हैं यहाँ पर, चलो भाई एम के कोऑर्डिनेट बताएंगे, वही वाला है एम के कोऑर्डिनेट। देखो ये तो बी के कोऑर्डिनेट थे, अब इसी के साथ साथ बेटा M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो सेकंड वाला है इसमें M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पहले X वाला देखेंगे, फिर Y वाला देखेंगे हम, ठीक है। X वाला में क्या आ रहा है बेटा, M के में माइनस तीन और Y वाले में चार आ रहा है, माइनस तीन और चार हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, माइनस तीन और चार हो गया, क्लियरली कर लेंगे आप, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। द कोऑर्डिनेट एक्स एंड द कोऑर्डिनेट वाई, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर, है ना। अब देखो क्या होंगे, L के कोऑर्डिनेट्स बताने आपको, L के कोऑर्डिनेट्स जल्दी से बताओ यार कमेंट बॉक्स में किस तरीके से होगा। L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, X की जगह माइनस पांच आ जाएगा और ये हो जाएगा चार, मतलब कि तीसरा वाला हमारा क्या होगा बेटा, L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस पांच और हो जाएगा बेटा चार। समझ में आया, इस तरीके से आप आसानी से, सॉरी चार नहीं, माइनस का चार आएगा बेटा, माइनस का चार, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस का चार है क्योंकि माइनस की संख्या है ना सारी, तो माइनस का चार, ठीक है, माइनस का पांच और माइनस का चार, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, चलो अब आगे चलते हैं। अगला वाला है हमारा देखो, फोर्थ है जो, क्या द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस, है ना, एस के वाई, एस के कौन से वाले कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, ठीक है। देखो एक तो जाएगा तीन और एक हो जाएगा माइनस चार, ठीक है। हमारा ये तीसरा था और अब हम चौथा करने जा रहे हैं। चौथा क्या हो जाएगा बेटा आपका, एक हो जाएगा प्लस का तीन, किसका, एस के, कितने हो जाएंगे, एक तो तीन हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, माइनस का चार, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत आसान एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी इसी बिहाफ पर है, पूरे पूरे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई अब इतनी बात समझ में आ गई, इसी के साथ अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। अभी यहां सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। यहां पर इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, बुक में भी आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो यहां पर क्या बताना है, एग्जाम्पल नंबर टू में लिखा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन द फिगर 3.12। 3.12 फिगर ये है, तो इन्हें सबके लिखने, देखो ए बी सी डी, मतलब कि ए के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, सी के और डी के, सबके कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखने, हाँ कोऑर्डिनेट्स ही लिखने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आप लिखेंगे, अब देखो यहां पर ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। अब भाई देखो यहां पर कि ये एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है ना, पहले एक्स देखते हैं फिर वाई देखते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है बेटा, चार आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है बेटा चार, और वाई से ऊपर जा रहा है क्या कहीं यहां पर, नहीं जा रहा ना, तो वाई क्या है बेटा यहां पर जीरो है। इतनी बात समझ में आई आपको, अच्छे से कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। अब इसी के बाद देखते हैं हम बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं। अब बी में देखो वाई पर तो जा रहा है ये, लेकिन एक्स की तरफ को नहीं आ रहा, ठीक है, तो वाई पर तीन है और एक्स की तरफ जीरो है, मतलब कि जीरो एक्स हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा बेटा, तीन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको, अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर सी किस तरीके से हो जाएंगे हमारे, अब देखो सी में हमारा एक्स एक्सिस पर माइनस पांच पे बोल रहा है, वाई पर नहीं चढ़ रहा है ये, तो हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पर माइनस पांच और वाई पे जीरो, ठीक है। और ऐसे मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताएं, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और जल्दी से बताओ, और बेटा वीडियो को लाइक भी करते रहो, ठीक है। चलो अब यहां देखो, यहां पर वाई एक्सिस पर तो ये जा रहा है माइनस चार पर, लेकिन एक्स एक्सिस पर नहीं जा रहा कहीं भी, तो माइनस चार और ये हो जाएंगे जीरो। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। डी और ई भी है अभी, है ना, डी ई, ई को आप किस तरीके से बताएंगे। अब ई देखो यहां पर क्या है, ई है दो बटे तीन पर, यहां एक्स एक्सिस से कितने पे आ रहा है बेटा, दो बटे तीन पर आ रहा है और यहां आ रहा है जीरो पर, यहां पे दो बटे तीन माना गया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपके लिए। अभी देखते हैं और आगे, अब यहां पर आ जाते हैं आपके लिए क्वेश्चंस। भाई सब क्वेश्चंस मात्र दो ही हैं, दो नहीं तीन क्वेश्चन है, ठीक है, तीन क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है, इसकी भी एक्सरसाइज आ जाएगी। बाकी आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने स्कूल ग्रुप्स में अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये फ्री स्टडी मिल सके और ईजी स्टडी मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।